एक रे झटा झट झटा झट सरिया में गग जल जल ग जल ग जल निकोर। मेरा जोहार नमस्ते और मैं अमित मिंज आप सबों को मेरे मिंज ब्लॉग सिमडेगा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग गांव आ गए हैं, आज का सीज़न है धान कटनी का। हम लोग अभी धान काटने के लिए जा रहे हैं और ऑलरेडी मम्मी पापा लोग काट रहे हैं, तो अभी हम लोग भी जाएंगे वहाँ, साथ देंगे काटने के लिए। और अभी निकलना है, मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हसिया है, इसी से धान काटा जाता है। और आप सब वीडियो में बने रहिए, आप सबों को दिखाएंगे धान कैसे काटा जाता है और कैसे क्या किया जाता है, सब कुछ खेत में मिलते हैं। आप सबों से वीडियो में बने रहिए। तो दादा दादू लोग काम कर रहे हैं बारी में, आप देख सकते हैं इनका खेत सब धान पक चुका है। और ये देखिए मम्मी पापा काट रहे हैं ऑलरेडी धान। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं धान के खेत में, अभी हम लोग भी काटेंगे धान। झटा झट झटा झट सरिया प्रभु सुनी नायल कर रे झटा झट सरिया में। इधर नानी पूरा अच्छा से काट काट के यहाँ पे रख रही है और इसको हम लोग अरपा बोलते हैं, इसको ये रखते हैं, उसको अरपा बोला जाता है। ये और एक अरपा है, काट काट के इधर रखा गया है, उसको अरपा बोलते हैं। आप सब देख सकते हैं ये खेत में बहुत सारे अरपा रखे हुए हैं। ये एक अरपा है दोस्तों, ये धान है, धान का बाली, इसको बैल बोलते हैं हम लोग, बैल है। अब देख सकते हैं इतने इतने धान सब पक गए हैं धान, इसको काट रहे हैं हम लोग अभी। इधर नानी काट रही है, इधर मम्मी पापा दोनों काट रहे हैं। अरपा को यहाँ पे ला के इसको गांजा जाता है, मतलब इसको यहाँ पे रखा जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अपने गांव में इसको गांज बोलते हैं, धान का टीला बनाया जाता है। उसके बाद ये खलिहान है, ये धान को ऐसे बिछा दिया जाता है खलिहान में और उसके ऊपर बैल गाय सबको राउंड राउंड घुमाया जाता है। उसके बाद हम लोग गाँव में ऐसे धान मिसते हैं। तो ये और एक गांज है, उधर गांज है, इधर गांज है। देखिए खेत से चाचा और जोय अभी बहिंगा से और सिक्का से धान को ढो के ला रहे हैं, इसको गांज में अभी रखेंगे। इसको हम लोग बहिंगा बोलते हैं, धान को कंधा में ढो के लाते हैं। और ये है रस्सी, इसको सिक्का बोलते हैं। और ये अरपा को यहाँ पे गांज में रख रहे हैं, गांज है ये।
और जब पुआल निकलता है धान मिसने के बाद उसको यहाँ पे इधर रख दिया जाता है। तो ये धान धान को निकल के ये खाली पुआल रह गया, तो इसको गाय बैल को खिलाया जाता है। तो ये पुआल का टिल्ला आप देख सकते हैं यहाँ पे है, बगल में देख रहे हैं पुआल का माचा, इसको पुआल को यहाँ चढ़ा देंगे जब सब खेती जब धान मिसाई हो जाएगा, सारा काम ख़त्म हो जाएगा, तो पुआल को यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा ताकि ये पानी में ना भींगे और लंबे समय तक रहे, लंबे अवधि तक रहे, ताकि जो हमारे गाय बैल हैं वो अच्छा से उसको खा सकें, इसलिए यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। मम्मी देखिए धान को ओसा रही है, जो भूसा है वो निकल जाएगा। तो ऐसे करके धान को फाइनली घर में ओसा के इसको धान को हम लोग घर में ले जाएंगे ढो ढा के। देखिए भूसा ये जो उड़ जाता है और ये जो धान जो अच्छा होता है वो गिर जाता है। बांध के अभी घर ले जाएंगे। ये छोटा सा वीडियो हम यहीं अंत करते हैं। आप सबों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं। आज हम लोग आए थे धान काटने और धान मिसने और बहुत सारा काम किए। आपसे फिर अगले वीडियो में अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।